वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। आज हम डे 8 को कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको पॉलिनोमियल में आप बता बोल सकते हो कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखो पॉलिनोमियल प्रॉब्लम क्या है, अंडर रूट वाला। जब भी अंडर रूट में होता है तो पावर इंटीजर में होनी चाहिए, पर यहाँ पे अपॉन में आ जाएंगे, डेसिमल में आ जाएंगे, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाले पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे होगा। तो ये आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका 3x60-50। एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू 50 आ गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे 6 ईयर एगो द एज ऑफ रामबाज ट्राइस द एज ऑफ श्याम आफ्टर 6 ईयर राम विल कम ट्वाइस द ओल्ड श्याम फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज हमको निकालनी है, ठीक है। तो हमने लेट किया कि राम एज एक्स है, ईयर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ श्याम वाई है। तो दोनों में क्या रिलेशन है, एक्स माइनस सिक्स 3 × y-6। इनको कैलकुलेट किया तो एक्स और वाई में आपका रिलेशन आ गया। एंड 6 ईयर बाद इसकी डबल हो जाती है, ठीक है, ये रिलेशन रहा। इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्स की और ये वाई की यहाँ पे वैल्यू मिल गई, तो यही आपका आंसर है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं 4 पे। द सम ऑफ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट दिस नंबर इज 33। फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू। सभी पॉसिबल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लिए 2-digit नंबर x और y, ठीक है। तो ये तो यूनिट प्लेस का या टेन प्लेस का है, तो इसमें 10x + y होगा, ठीक है। अगर चेंज करके लिख सकते हैं तो 10y + x होगा, क्लियर। एनी 2-digit नंबर कैन बी रिटर्न एज डिजिट एट 10 place × 10 और यूनिट प्लेस का मन होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के सॉल्व किया एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। द वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी आइदर 1, 2, 3। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ वाई विल बी 2, 1, 0, ठीक है। तो ये आपके नंबर मिल गए, क्लियर हुआ। चलिए ये रूल हैं कुछ, ये पहले ही डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 5th वाले पे। एक इक्वेशन ये दिया है और ये दिया, तो यहाँ पे एक्स और वाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिए थे। फर्स्ट में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करके हमने सेकंड के साथ माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसे हुआ है यहाँ पे, आप ऐसे ही बोल सकते हो। इसमें अगर मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा 8, 4 और ये हो गया 140, ठीक है। माइनस कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 15 आ गई और ये फिर पुट करोगे तो वाई की मिल जाएगी, पर एक्स की पूछिए तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ पे 5 ईयर एगो ए वाज ट्राइस ओल्ड बी एंड 10 ईयर ट्वाइस ऑफ ओल्ड बी, ठीक है। 5 ईयर पहले ट्राइस है और 10 ईयर
मैं कितना हो रहा है, डबल हो रहा है वो, तो फाइंड द प्रेजेंटेज, प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंट ए एंड बी ये है, तो ये रिलेशन हो गया 5 साल पहले का, तो तिगुना है, 3 टाइम है, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल गया बी का, और 10 साल बाद तो डबल है, तो ये रिलेशन मिल गया, ए और बी का रिलेशन मिल गया हमको, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर, इक्वल ही होंगे दोनों, इक्वल किया तो ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू ही हमको पूछी थी, बी की चाहिए तो पुट करके बी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये? चलिए अब हम आ जाते हैं 7th पे, ठीक है। अ पर्सन हैज ओनली 25 पैसा, 50 पैसा कॉइन, टोटल कॉइन कितना है अमाउंट 12.5, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन अवेलेबल विथ हिम, कितना होगा, ठीक है, अवेलेबल। तो हमने क्या किया, एक को हमने एक्स ले लिया, दूसरे को वाई ले लिया, दोनों कितना होगा 40, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो ये आ गया, ठीक है, और इन दोनों को कैलकुलेट किया तो बाई की वैल्यू 10 आ रही है, क्लियर हुआ। रुपए को उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं बता रहा है कि भाई कितना पैसा है, 12.5, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे किया गया है, तो 50 पैसे उनमें 2 का बाई में 2 का डिवाइड लग रहा है, यहाँ पे 25 पैसे में 4 का डिवाइड लग रहा है। चलिए फॉर द वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं, तो कंडीशन क्या होती है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो A1 U2 और B1 V2 दोनों बराबर होंगे, यही कंडीशन होती, तो दोनों को इक्वल किया, सॉल्व किया तो K की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे, तो इसके कुछ मेथड दिए गए इन्होंने। चलिए फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो डिस्क्रीमेंट निकाला हमने, डिस्क्रीमेंट 0 और परफेक्ट स्क्वायर, ये वन आ रहा है ग्रेटर देन और 1 है, तो ग्रेटर देन और परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, इसके रूट्स निकालने, ब्रेक मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाए, तो 6 और 4x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 6 में से यहाँ पे आपने 2x कॉमन निकाला, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2, 2x प्लस 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये कॉमन निकाला है ना, ये 1 कॉमन आया, 1, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -2y3 और -1y, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।